हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय MBA करने का जोर काफ़ी प्रचलन में है। आज मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे स्पेशलाइजेशन जो कि हर कोई MBA में करना चाहता है, करना भी ज़रूरी है और इन फ्यूचर इसकी ही डिमांड बनी रहने वाली है। अभी भी डिमांड है, पहले भी डिमांड थी और इन फ्यूचर भी इसी की डिमांड रहने वाली है। तो ये पाँच स्पेशलाइजेशन कौन से हैं जो आपको करना चाहिए। अगर आप ड्यूल MBA भी करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको इन पांच स्पेशलाइजेशन में से कोई एक स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। क्या फ़ायदा है, किस काम आता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये बैकग्राउंड भाई, जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर मैं वीडियो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी क्वालिटी वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी लोग अपनी लाइफ में MBA या मैनेजमेंट प्रोग्राम जरूर करना चाहते हैं, अगर वो नौकरी में हैं, अगर वो बिजनेस में हैं तो भी। यहाँ पर पांच स्पेशलाइजेशन कोर्सों में से एक कोर्स बिजनेस के लिए भी है, वो भी मैं इसी टॉपिक में डिस्कस करूँगा। सबसे नंबर वन पर जो MBA प्रोग्राम आता है जिसमें लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो है फाइनेंस। फिनेंस में सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है MBA करने की। अगर कोई MBA फाइनेंस से करता है तो वो कंपनी के जो फाइनेंशियल काम है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, आगे कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई भी कंपनी बन रही है तो कॉस्ट कितनी आने वाली है, मैन पावर कितनी लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा, क्या क्या खर्चे आएंगे, मार्केटिंग ब्रांडिंग की क्या कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट कितना आएगा, लोन कितना लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट तय करता है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले और बिजनेस चलते हुए भी ये सारी चीज़ें करते हैं। दूसरा जो स्पेशलाइजेशन होता है वो टॉप प्रायोरिटी पर है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग से आप कई सारी फील्ड में अलग अलग टॉप पोजिशन की जॉब कर सकते हैं। मार्केटिंग का सबसे पहला जो उपयोग है वो है सेल्स। मार्केटिंग के अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट आता है जो कि किसी भी कंपनी में टॉप प्रायोरिटी पर रहता है। एक दूसरी जॉब स्टार्ट होती है जो होती है ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग के लिए भी लोग मार्केटिंग में ही MBA करते हैं या मैनेजमेंट में, मतलब मार्केटिंग में ही स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा एक PR सब्जेक्ट होता है, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो भी मार्केटिंग वाले ही करते हैं। आजकल पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक अलग से भी कोर्स बना दिया गया है MBA। अगर आप केवल पब्लिक रिलेशन में करना चाहते हैं तो मार्केटिंग मत चूज कीजिए, आप पब्लिक रिलेशन में कर लीजिए, लेकिन ये कुछ इंस्टीट्यूट में ही होता है। तो दूसरा जो मैंने स्पेशलाइजेशन बताया वो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से इतनी सारी फील्ड में अलग अलग जा सकते हैं। सेल्स का कैरियर में आप जा सकते हैं, इसके अलावा PR मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, जहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट का आपको अगर ज्ञान है तो आप उस चीज़ को कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा कोर्स आता है वो आता है HR का, ह्यूमन रिसोर्स का। इसका काम ये है कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई लगते हैं, जितनी भी लेबर लगती है, वो सारी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती है। यानी कि हम एम्प्लॉई को कितना पैसा देंगे, कब कब देंगे, उनके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए और कंपनी की क्या पॉलिसी होनी चाहिए जो हर एक एम्प्लॉई को मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग कब करानी है हमेशा, और एम्प्लॉई को हमेशा उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कैसे करनी है, सैलरी टाइम पे होनी चाहिए, इसके अलावा जो कंपनी के हित हैं उसकी भी रक्षा होनी चाहिए और एम्प्लॉई की भी जो हित हैं उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। तो ये सारा काम एक HR करता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब एक चौथे नंबर पर जो सबसे टॉप स्पेशलाइजेशन में चल रहा है वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट। यानी अगर आप MBA करते हैं और स्पेशलाइजेशन करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनी में जॉब अच्छी ऑफर होती है। यहाँ पर ऑपरेशन से आप गलत
मतलब मत निकालिए। आप ये समझ लीजिए, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है या कोई भी कंपनी रन हो रही है, तो उसके अलग अलग फंक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक आदमी ऑपरेट करता है, जिसको कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एक कंपनी है FMCG की, तो इसमें कंपनी में जो SOP है यानी स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो भी मैनेज कर रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसे डिलीवर हो रहा, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी मैनेज कर रहा है, साथ ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो कैसे एक साथ फंक्शनिंग वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑपरेशन मैनेजमेंट पे आ जाती हैं। कंपनी किसी नई जगह पे प्लांट डाल रही है या किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का आइडिया है या आइडिया इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो सारा ही काम एक तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले ही देखते हैं। अब छोटी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट एक ही आदमी देख लेता है, लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है, MNC होती है या इंडियन कंपनी ही बड़ी होती है, तो हर एक छोटे छोटे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सीनियर होते हैं, अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, और उस जगह पर जाके स्पेशलाइजेशन MBA का काम आता है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। छोटी जगह पर भी काम आता है और बड़ी जगह पर एक स्पेशलाइजेशन उस चीज़ के लिए ही हायरिंग होती है, उसी चीज़ की वैकेंसी होती है। अब जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर पहली प्रायोरिटी रहेगी कि MBA अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट में करा है, एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये चार बहुत ही टॉप के कोर्स हो गए, जो पहले से चले आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और इन फ्यूचर भी टॉप रैंक पे चल रहे हैं। अब आती है पांचवे की बारी। पांचवा थोड़ा सा नया है, लेकिन काफ़ी पहले से चल रहा है और इन फ्यूचर भी चलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई नौकरी करने वाला ही MBA करना चाह रहा हो। MBA वो लोग भी कर रहे हैं जिनका एक छोटा फैमिली बिजनेस है, बड़ा फैमिली बिजनेस है, कई कंपनियों के मालिक हैं, उनके लड़के भी MBA करते हैं, तो वो किस चीज़ में करते हैं दोस्तों जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो MBA करते हैं वो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं करते, वो सिर्फ अपनी कंपनी को इन फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए, अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए और एक अच्छा कंपनी का मालिक बनने के लिए MBA कर रहे हैं। तो उनके लिए सभी चीज़ों का एक मिक्स पैकेज होता है, जहाँ पर उनको कॉस्ट कटिंग भी सिखाया जाता है, फाइनेंस भी सिखाया जाता है, HR भी सिखाया जाता है, मतलब जितने भी स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन एक कोर्स में करा जाता है। इसको कहते हैं MBA इन फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में MBA काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा ये कोर्स है और इसको लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका एक छोटा फैमिली बिजनेस है, उसको आगे इंडिया लेवल पर कैसे ले जाएं, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जाएं, उनको काफ़ी चीज़ें नॉलेज हो जाती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की भी नॉलेज हो जाती है, डोमेस्टिक बिजनेस की भी नॉलेज हो जाती है, फाइनेंस की भी नॉलेज हो जाती है। मतलब आप काफ़ी लोग कहेंगे कि MBA में तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जितने भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं उनका एक निचोड़ इसमें फैमिली बिजनेस वाले में MBA में डाला जाता है। तो ये पांच ऐसे टॉप के कोर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी दिनों से अभी भी चल रहे हैं और आगे भी इनकी डिमांड बनी रहेगी। हालांकि आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में MBA करते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी सेक्टर में किसी भी पोजीशन पे जॉब मिल जाती है, क्योंकि आगे आपका ये भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं। अगर आपने मार्केटिंग में MBA किया है और अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो आपको फाइनेंस में ही काफ़ी अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी MBA के बेस पर। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर करें।